जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता दी। अगर आप भक्त भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर दर्शन करने के लिए आते हैं और हेलीकॉप्टर के माध्यम से माता रानी की यात्रा करना पसंद करते हैं तो आप भक्तों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि श्राइन बोर्ड द्वारा हेलीकॉप्टर के किराए में भारी गिरावट कर दी गई है। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करने वाले हैं कि क्या हेमकोटी मार्ग अभी भी भक्तों के लिए बंद ही चल रहा है, मौसम किस प्रकार बना हुआ है, भीड़ किस प्रकार आ रही है, साथ ही अगर आप यात्रा करेंगे तो दर्शन करने में कितना समय लगेगा, रुकने की क्या व्यवस्था है। संपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, माता रानी की यात्रा पर आने वाले प्रत्येक भक्त यही आशा करते हैं कि यात्रा पर उन्हें सारी सुविधाएं मिल जाएं। ऐसे में बहुत सारे भक्त ऐसे भी होते हैं जो कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से कटरा से सांझी छत या सांझी छत से कटरा अपने परिवार के साथ जाना पसंद करते हैं। माता रानी की यात्रा पर आने वाले प्रत्येक भक्त को हेलीकॉप्टर के लिए फिलहाल 18% GST के साथ में 2100 रुपए एक तरफ से किराया देना होता है, जो कि आने जाने के लिए लगभग 4200 रुपए हो जाता है। वहीं श्राइन बोर्ड ने हाल ही में ही किराए में कुछ इजाफा भी किया था, यानी कि बढ़ोतरी की थी। परंतु अब अच्छी खबर सामने निकल कर ये आ रही है, माता रानी की यात्रा पर जाने वाले भक्तों को हेलीकॉप्टर का किराया कम देखने को मिलेगा। उसकी बड़ी वजह है GST। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि हेलीकॉप्टर के किराए पर अभी तक 18% GST लगा करता था, जो कि अब घटकर 5% ही रह गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, माता रानी की यात्रा पर आने वाले भक्तों को अब हेलीकॉप्टर के किराए पर सिर्फ 5% ही GST देना होगा, जो कि जल्द ही लागू होने वाला है। माता रानी की यात्रा पर जाने वाले भक्तों को अब काफी राहत मिलने वाली है, जिसमें कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है जो यात्रा पर अभी किराए की बढ़ोतरी हुई थी हेलीकॉप्टर के लिए, वो लगभग पहले जैसी ही हो जाएगी। फिलहाल की बात करें तो श्राइन बोर्ड द्वारा एक तरफ के किराए पर 100 रुपए के आसपास बढ़ाए गए थे, और अगर 18% GST को कम कर हम 5% पर ले आते हैं तो भक्तों को लगभग पुराने जितना किराया, यानी कि लगभग 2100 रुपए के आसपास ही अब किराया देना होगा। ये काफी अच्छी बात है भक्तों के लिए। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके बताएं। साथ ही बताना ना भूलें आप माता रानी की यात्रा कब करने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं, अगर आप यात्रा पर आने वाले हैं तो क्या इस समय हेमकोटी मार्ग खुल चुका है, तो आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, खराब मौसम के चलते हेमकोटी मार्ग को बार बार बंद करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो ये बता पाना काफी मुश्किल होगा कि किस समय मार्ग खुला है और किस समय बंद, क्योंकि जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो उस दौरान श्राइन बोर्ड पूरी तरीके से हेमकोटी मार्ग को बंद ही रखता है। जो यात्रा मार्ग माता रानी के भक्तों को अर्धकुंवारी मंदिर परिसर से भवन लेकर जाता है, ये सबसे सरल मार्ग माना जा रहा है। इस पर बैटरी कार की सेवाएं भी चलती है। अब मार्ग बंद होने से ना सिर्फ भक्तों को दिक्कत होती है, साथ ही जितनी भी बैटरी कार की सेवाएं हैं वो भी पूरी तरीके से ठप पड़ जाती है। ऐसे में यात्रा पर जाने वाले भक्तों को प्राचीन मार्ग जिसे हाथीमथा मार्ग कहते हैं उसी से यात्रा करनी होती है, और भक्तों को थोड़ा कष्ट भी होता है, समय भी ज्यादा लगता है। वहीं वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं, माता रानी की यात्रा पर आप आने वाले तो दर्शन किस प्रकार होंगे, मौसम कैसा बना हुआ है, और भक्तों की किस प्रकार भीड़ आ रही है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और बताना ना भूलें आप माता रानी की यात्रा पर कब आने वाले हैं। भक्तों बता देना चाहता हूं, फिलहाल वैष्णो देवी यात्रा पर लगभग 25,000 से 30,000 भक्त प्रतिदिन आ रहे हैं। अक्सर देखा जाता है शनिवार इतवार के दिन ये आंकड़ा लगभग 50,000 को छूता है, जब काफी ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है। बात करें माता रानी की यात्रा पर आप जाएंगे तो मौसम कैसा मिलेगा, आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, इस समय यात्रा पर दिन का तापमान लगभग 20 डिग्री से ऊपर ही बना रहता है, जिसमें अक्सर आपको बारिश देखने के लिए मिल रही है। काफी ज्यादा बादल भी इस समय यात्रा पर बने हुए हैं। बाकी रात के तापमान की बात करें तो लगभग 18 से 20 डिग्री के आसपास का तापमान भी हमें कई बार रात में देखने को मिल जाता है, और कई बार तापमान इससे कम लगभग 12 से 15 डिग्री के आसपास भी हमें देखने को मिलता है, जिससे कहीं ना कहीं यात्रा पर ठंड भी बढ़ जाती है। अगर आप अपने साथ छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्गों को यात्रा पर लेकर आ रहे हैं तो जरूर आप एक अपने साथ जैकेट लाना ना भूलें, क्योंकि माता रानी की यात्रा पर अगर आप एक रात बिताएंगे, यात्रा पर रुकेंगे तो आपको ठंड का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके पास कोई भी रुकने की व्यवस्था नहीं है तो आपको हो सकता है खुले में ही सोना पड़े, ऐसे में आपको ठंड भी लग सकती है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते बात कर लेते हैं, अगर आप दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो कितना समय लगने वाला है और किस प्रकार दर्शन हो रहे हैं, क्या कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी। भक्तों को बता देना चाहता हूं, फिलहाल अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो भवन में दर्शन करने में मात्र आपको 1 घंटे तक का ही समय लगने वाला है। बात करें अर्धकुंवारी मंदिर परिसर यानी कि गर्जुन गुफा की, तो आप भक्तों को बता देना चाहता हूं, गर्जुन गुफा में आप भक्तों को 1.5 से 2 दिन या 3 दिन तक की वेटिंग देखने के लिए मिल सकती है। भक्तों को यहां पर काफी इंतजार करना पड़ता है गर्जुन गुफा में दर्शन करने के लिए। हालांकि श्राइन बोर्ड द्वारा एक नई प्रक्रिया शुरू करी गई है, जिसमें अगर आप चाहते हैं समय बचा
कटाना तो आप 350 रूपए की पर्ची कटा सकते हैं, जिसमें ना सिर्फ आप भक्तों को 350 रूपए की पर्ची कटाने के बाद में गर्जुन गुफा के दर्शन होंगे, साथ ही साथ आरती का भी आनंद लेने को मिलेगा। ये आरती सुबह और शाम होती है, तो आप कभी भी इसकी पर्ची ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड से कटवा सकते हैं। वहीं अंत में बात कर लेते हैं यात्रा पर आने वाले भक्तों को क्या कुछ सुविधाएं इस समय मिल पा रही हैं। भक्तों को बता देना चाहता हूं, खराब मौसम के चलते कई बार हेलीकॉप्टर की सेवाएं रद्द रहती हैं। अगर मौसम साफ होता है तभी श्राइन बोर्ड हेलीकॉप्टर को उड़ने देता है। वहीं बैटरी कार की बात करें तो हिमकोटी मार्ग स्थगित होने से बैटरी कार की सेवाएं भी लगभग रोजाना ही प्रभावित चल रही हैं, जिस वजह से भक्तों को काफी परेशानियां भी हो रही हैं। बाकी माता रानी की यात्रा पर आने वाले भक्तों को रोपवे की सुविधा पूर्ण रूप से मिल पा रही है। आशा करता हूं कि आप भक्तों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखकर बताएं माता रानी की यात्रा करने के लिए आप कब आने वाले हैं। आप भक्तों की यात्रा मंगलमय सुखद हो ऐसी मैं कामना करता हूं। साथ ही अगर आप चाहते हैं यात्रा से जुड़ी रोजाना ताजा तस्वीरें पिंडी रूपी दर्शन प्राप्त करना, तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।